सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कुकिंग विद रेशु को और बेल बटन पर क्लिक कीजिए मेरी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है मोमोज की चटनी बनाने की। बिना मोमोज की चटनी के मोमोज का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, तो ये चटनी आप मोमोज के साथ ज़रूर बनाकर देखें। मोमोज की चटनी बनाने के लिए लेने हैं टमाटर, ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, और लेनी है सूखी साबुत लाल मिर्च। और ये जो लाल मिर्च है, इनको चटनी बनाने के आधा घंटा पहले पानी में भिगोकर रखना है। एक छोटे साइज की बारीक कटी हुई प्याज, आधा चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, आधा चम्मच सोया सॉस, 14 से 15 कली लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, और ऑयल। सबसे पहले लाल मिर्च और टमाटर को बॉईल करना है। उससे पहले टमाटर को आगे से हल्का सा कट करेंगे इस तरह से, और इसको निकाल देंगे, और पीछे से इस तरह क्रॉस बनाते हुए कट करेंगे, जिससे कि जब टमाटर को बॉईल करें तो इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। इसी तरह से सभी टमाटर को कट कर लेंगे और पीछे से क्रॉस बना लेंगे। अब गैस पर कोई भी बर्तन रखकर उसमें 1 या 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, और साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें। ध्यान रहे, चटनी बनाने के आधा घंटा पहले लाल मिर्च को पानी में जरूर भिगो कर रखें, इससे जो लाल मिर्च है वो जल्दी बॉईल हो जाती है। अब पैन का ढक्कन कवर करके लगभग 8 से 10 मिनट तक इनको बॉईल होने देंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 10 मिनट के बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे, और जो टमाटर हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं और मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, तो अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये जो टमाटर हैं इनके ऊपर का छिलका हटा देंगे, और ये अभी गर्म है तो सावधानी से हटाएं। और आप देख सकते हैं कि कट लगाने से कितनी ईजिली टमाटर को छील पा रही हूँ मैं। अब ये मैंने 3 टमाटर छील लिए हैं, इनको एक बाउल में निकाल लेंगे, और टमाटर को स्पून से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। अब गैस पर एक पैन रखकर उसमें लगभग 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल के गरम होने के बाद इसमें लहसुन डाल देंगे, ये मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है लहसुन को, और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे, अदरक डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे, प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मैश किए हुए टमाटर, अब टमाटर डालकर थोड़ा सा भून लेंगे, और इस तरह मैश करते जाएंगे। लाल मिर्च भी डाल देंगे, अभी चला देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, सोया सॉस। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे, और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है।
रख दो। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी जार में पलट लेंगे। अब जार का ढक्कन बंद करके चटनी को बारीक पीस लेंगे। चटनी को पीसने के बाद एक बाउल में पलट लेंगे सर्व करने के लिए। और ये चटनी बिल्कुल रेडी है मोमोज के साथ खाने के लिए। और ये जो चटनी है वो मोमोज के साथ ही नहीं, पराठे, रोटी, पूरी किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी मोमोज की चटनी की रेसिपी। और मोमोज की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।